राहुल गांधी और एनी राजा वायनाड के दोनों उम्मीदवार में कौन ज्यादा अमीर। वायनाड में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मतदान होना है। 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना बुधवार 3 अप्रैल को नामांकन कर दिया। अपने अपने नामांकन से पहले दोनों ही नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में रोड शो किए। सीपीआई के नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की महासचिव और पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने शेयर मार्केट में 4.3 करोड़ रुपए का निवेश, 3.81 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट और 26.25 लाख रुपए बैंक खाते में जमा राशि दिखाई है। राहुल गांधी के दायर हलफनामे से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उनके पास 55,000 रुपए कैश और कुल इनकम 1,02,78,680 रुपए हैं। चल संपत्ति में 59% की बढ़ोतरी। इसी तरह ऑन मनोरमा.com के रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी की चल संपत्ति में पिछले 5 सालों में कुल 59% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 में राहुल गांधी की चल संपत्ति की कीमत 5.8 करोड़ थी, जो मौजूदा हलफनामे में इसका मूल्य 9.24 करोड़ रुपए हो गया। कांग्रेस नेता के पास 15.2 लाख रुपए के सोने के बॉन्ड भी हैं। इसके अलावा उन्होंने नेशनल सेविंग स्कीम्स, पोस्टल सेविंग्स, बीमा पॉलिसी और अन्य जगहों पर 61.52 लाख रुपए का निवेश किया है। साथ ही उनके ऊपर 48.7 लाख की देनदारी भी है। वहीं न्यूज 18 ने राहुल गांधी के हलफनामे का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनके पास 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है। राहुल गांधी ने दिल्ली के महारैली में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर एक कृषि भूमि की भी घोषणा की है। साथ ही गुरुग्राम में ऑफिस की जगह भी बताई है जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए है। एनी राजा की संपत्ति का ब्यौरा। राहुल गांधी की प्रतिद्वंदी सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा की संपत्ति की अगर बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति 72 लाख रुपए है। उन्होंने केवल 10,000 रुपए नगद, 62,000 रुपए बैंक में जमा राशि, 25,000 रुपए के गहने और 71 लाख रुपए की विरासत में मिली संपत्ति की घोषणा की है।